नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गुजरात सूरत गंगाधरा चौकड़ी के पास गुजरात परिवहन की बस एवं फोर व्हील को टकराने से जाम की स्थिति हो गई थी। स्थानीय लोगों के साथ साथ हमारा जगत न्यूज 24 रोड प्रशासन से अनुरोध करता है कि आप लोग इस नेशनल हाईवे नंबर 6 गंगाधरा चौकड़ी पर जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं एवं ऐसे भविष्य में होने वाले बड़े बड़े हादसों को रोका जाए। देखिए जगत न्यूज 24 गुजरात सूरत गंगाधरा से भरत भाई भरवाड़ के साथ डॉक्टर जगत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हम यहाँ गुजरात के सूरत जिले के गंगाधरा एरिया से बोल रहे हैं। यहाँ जो नेशनल हाईवे नंबर 6 जाता है उसी के गंगाधरा के पास जो गुजरात परिवहन की बस आ रही थी और है ना, ऐसा बताया जा रहा है कि कई लोग बता रहे हैं कि ब्रेक फेल हुआ है, कई लोग बता रहे हैं कि कुछ गाड़ी से ठुकाई है। पर हमारा जगत न्यूज 24 है ना, जो यहाँ का जो परिवहन विभाग है, गुजरात का जो परिवहन विभाग है, उनसे अनुरोध करता है कि आप लोग यदि वहाँ से लंबी दूरी के बसेस निकालते हैं तो वहाँ से चेक करके भेजे और या नई बसें भेजे, क्योंकि जो भी सवारी है, जो भी मुसाफिर है, जो भी इतने लंबे दूरी से सफ़र करते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। या हमने देखा बहुत सी सवारी या इसी बस की सवारी है और जो भी है, या हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो गुजरात परिवहन की बसेस के जो ड्राइवर है, ये बिंदास चलाते हैं, बिल्कुल बेधड़क चलाते हैं। इनको ऐसा सभी को जगत न्यूज 24 रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग ट्रैफिक रूल का पालन करिए, संभाल कर चलिए, धीरे चलिए, क्योंकि आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी और दूसरे को भी दिक्कत नहीं होगी और किसी की टाइम की बर्बादी भी नहीं होगी, पैसे की भी बर्बादी नहीं होगी। हम आगे क्या जानेंगे, जो सवारी आई थी इस पर हम जानेंगे। आइए, मैं मेरा कैमरामैन को वाले की गलती नहीं है, गाड़ी ओवर स्पीड में एकदम रॉन्ग ले लिया, ले लिया। एक बार ब्रेक लगाई, इलेक्शन भी चेंज की, फिर भी वो लोग अंदर आ ही गए। और हमें से ऐसा बोला जाता है कि बड़े व्हीकल का ही दोष है, ये भाई गलत है। हम जनरल चीज जो भी अलग होती है और इस बार जो हुआ है वो अलग है। आप कहाँ से आ रहे हैं? आप ही अंदर बैठे थे, कितनी देर हो गई अभी ये जो गाड़ी खड़ी हो रही है? तो है ना, इसमें लगभग है ना, इस ड्राइवर की या इस गाड़ी की कोई कैसी है? आउटसाइड में क्यों है? बचाने के लिए बना लो, काले टकराई है और जो गुजरात परिवहन की बस है, गुजरात परिवहन की बस है, उसकी हमने ठीक है। बाकी जो सवारी है, जो भी वहाँ सफर कर रहे थे, मुसाफिर है, उनसे भी जाना कि भाई एक इनका भी गलती बता रहे हैं और कई जगह ऐसा बता रहा है कि भाई जो परिवहन विभाग का जो बस है उससे ब्रेक फेल होना आगे जानेंगे। यहाँ की जो पब्लिक की समस्या है कि यहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं होने से कई बार पहले भी एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई बार कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, फिर भी है ना, यहाँ का हमारा जगत न्यूज 24 ने यहाँ का जो रोड प्रशासन है उनको भी कई बार अवगत कराया। और आगे हम जानेंगे, आपका नाम? गणेश भाई, ये आपका यही के निवासी हो? एक्चुअली क्या है, मेरे सामने बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे सामने चार पद मेरे सामने भी यहाँ पे वो करें रखिए गार्डन उसी मुंह का काटो, जल्द से जल्द करना चाहिए। तो आप या जो रोड प्रशासन को या जो स्थानीय मिनिस्टर है इनको क्या कहना चाहोगे? हमारे यही आप सरकार से निवेदन है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगना जरूरी है और कई घरों के चिराग जो बुझे स्पीड ब्रेकर के वजह से ही हुए, जितने एक्सीडेंट हुए हैं।
हमारा हमारा जगत न्यूज 24 भी शासन प्रशासन से यही अनुरोध कर रहा है कि आप लोग या जो स्पीड ब्रेकर जल्द से जल्द लगाएं और ऐसी घटना रोकी जाए, क्योंकि स्पीड ब्रेकर लगेंगे तो सभी लोग सही स्पीड से चलेंगे और ऐसी घटनाएं नहीं होगी। जगत न्यूज 24 गुजरात सूरत गंगाधरा से डॉक्टर जगत सिंह राजपूत। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।